दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले बीच मैदान में अफ्रीकी टीम ने टीम इंडिया को बुरी तरीके से धोया, फिर स्टेडियम से बाहर निकलते ही अफ्रीकी फैंस ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करते हुए न केवल सूर्य कुमार से लेकर सभी से मारपीट की बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, स्टेडियम के बाहर क्यों अफ्रीकी फैंस ने किया टीम इंडिया पर जानलेवा हमला, किस खिलाड़ी को आई है कितनी चोट और कौन हुआ है गंभीर रूप से घायल, उस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और डेविड मिलर में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया और अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में जहां टीम इंडिया का जीत का सपना सजाकर उतरी थी, तो वहीं अफ्रीका ने साबित कर दिया कि उनकी सरजमी पर जाकर उन्हें हराना बच्चों का खेल नहीं है। टॉस जीतकर पहले अफ्रीका ने टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तो हमारे दोनों ओपनर्स को तो उन्होंने खाता भी नहीं खोलने दिया। गिल और यशस्वी तो डक बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। बस फिर क्या था, जहां पर एक तरफ लग रहा था कि टीम इंडिया 100 रनों तक भी नहीं पहुंचेगी, फिर वहीं हमारी वापसी करवाते हैं कप्तान सूर्य और टीम के सुपरस्टार रिंकू सिंह। सूर्य ने 36 गेंद पर 5 चौके और 3 छक्के की बदौलत 56 रन बनाए। रिंकू ने भी अंत तक नाबाद रहते हुए 39 गेंद में ही 9 खतरनाक चौके और 2 छक्कों की बदौलत 68 रन ठोक दिए थे। हमने 19.3 ओवर में 180 रन बना लिए थे। हालांकि बारिश की वजह से यह लक्ष्य 15 ओवर में केवल 152 रनों का रह गया था, लेकिन हमारी गेंदबाजी दुरुस्त थी। ऐसा लगा था कि हम अफ्रीका को आसानी से हरा देंगे, लेकिन अफ्रीका के बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं है। रीजा हेंड्रिक्स ने तो मैदान में उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिया। 6 ओवरों में ही अफ्रीका की टीम ने 78 रन बना लिए थे। हालांकि फिर हमारे गेंदबाजों ने भी अफ्रीकी बल्लेबाजी क्रम को हालत खराब कर दी। एक के बाद एक 5 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया, लेकिन अंत में अफ्रीका ने इस मुकाबले में बाजी मार ली और 1-0 से टी20 सीरीज में बढ़त भी हासिल कर ली, जहां मैन ऑफ द मैच बने तबरेज शमसी। लेकिन दोस्तों इतना ही काफी नहीं था कि गुस्साए अफ्रीकी फैंस ने तो अब भारतीय टीम पर ही अपना गुस्सा निकाला है। आपको बता दें कि जैसे ही सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में टीम इंडिया होटल जाने के लिए रवाना हुई, वहां हजारों की तादाद में अफ्रीकी फैंस का हुजूम उमड़ा हुआ था। भारतीय फैंस को देखते ही उन लोगों ने तो हमारा मजाक उड़ाना और हमें अभद्र बातें कहना शुरू कर दिया। वो हमारी हंसी उड़ा रहे थे। हालांकि टीम इंडिया ने उनकी बातों को इग्नोर किया और आगे बढ़ते गए, लेकिन हालात तो तब बिगड़े जब कुछ लोगों ने भारतीय टीम की बस को घेर कर उस पर हमला बोल दिया था। देखते ही देखते जीत का जश्न कब आंदोलन का रूप ले गया पता ही नहीं चला। कुछ लोगों ने जैसे ही बस पर पत्थरबाजी की, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। टीम इंडिया को तो वो भला बुरा ही कह रहे थे, साथ ही उनके निशाने पर भारतीय खिलाड़ी भी थे। वो अभी भी वर्ल्ड कप की हार का गुस्सा भूल नहीं पाए थे। आनंद फानंद में पुलिस बल और सिक्योरिटी को बीच में आना पड़ा, लेकिन हालात को काबू करने में उन्हें भी बहुत परेशानी हो रही थी। गनीमत रही कि किसी भी खिलाड़ी को कोई चोट नहीं आई और किसी भी तरीके से पुलिस ने टीम इंडिया को सुरक्षित वहां से निकाल लिया और कोई बड़ा अनहोनी होने से बचा लिया। लेकिन इस घटना ने तो दिखा दिया कि पूरी दुनिया भारत और भारतीय खिलाड़ियों से कितनी नफरत करती है। इसके बाद तो हर तरफ बवाल मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया तीसरा टी20 मैच को जीतकर सीरीज बराबरी कर पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में करारी धूल चटाने के बाद टीम इंडिया का कारवां साउथ अफ्रीका पहुंचा, जहां पहले टी20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन दूसरा टी20 मुकाबला दोनों टीमों के बीच सेंट गार्गी पार्क में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओपनिंग जोड़ी ने बेहद खराब शुरुआत दी। केवल 6 रनों के स्कोर पर टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए 56 रन बनाए। वहीं अंत में रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 68 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने 19.3 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बना लिए थे, लेकिन बारिश होने के कारण मैच को रोक दिया गया और फिर DLS मेथड से निर्णय लिया गया कि मैच 15 ओवर का खेला जाएगा और अफ्रीका के सामने 152 रनों का लक्ष्य होगा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे अफ्रीकी ओपनर बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाए। टीम की तरफ से राजा हेंड्रिक्स ने खतरनाक बल्लेबाजी की, वहीं कप्तान एडन मार्करम ने 30 रन बनाए और अफ्रीका टीम ने इस मैच को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया और टीम को दूसरे टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ गया। टीम इंडिया को इस मुकाबले में मिली हार से पूरा हिंदुस्तान निराश हो गया। अफ्रीका में बैठे दर्शक भी फूट फूट कर रो पड़े। तो वहीं विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा का भी गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए हम आपको अनुष्का शर्मा के बयान को सुनाते हैं। आखिरकार भारत को मिली हार के बाद क्या कुछ कहा अनुष्का शर्मा ने भारत को मिली करारी हार के बाद बयान देते हुए। भारतीय उत्पन्नों ने बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने टीम को बेहद खराब करवा शुरुआत दी, जिसके कारण पहले ही भारत पर दबाव बन गया। लेकिन सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने पारी को संभाला और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया, जिसके कारण टीम इंडिया इस मुकाबले को हार गई। अगर इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली होते तो टीम इंडिया बड़ी आसानी से मुकाबला जीत जाती।
अनुष्का शर्मा ने इतना ही नहीं आगे भी बयान देते हुए कहा कि भारत को मिली हार देखकर मैं बेहद निराश हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया अफ्रीका की धरती पर मुकाबला हार जाएगी क्योंकि भारत का रिकॉर्ड अफ्रीका में काफी शानदार रहा है। मुझे उम्मीद थी कि टीम इंडिया मैं लेकिन बेहद निराश हुई हूँ। इस मुकाबले में जरूर रोहित और कोहली को होना चाहिए था। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से अनुष्का शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। अफ्रीकी टीम को अपनी ही धरती पर यह लक्ष्य हासिल करना भारतीय गेंदबाजों के सामने इतना आसान नहीं होने वाला था। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान एडी मार्करम और डेविड मिलर उतरे। उनके सामने गेंद लेकर तैयार भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज। पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने स्ट्राइक पर खड़े डेविड मिलर को पूरी तरह से चकमा दे दिया। सिराज की खतरनाक यॉर्कर पर डेविड मिलर एक भी रन नहीं बटोर पाए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना विकेट बचा लिया। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखकर टीम इंडिया जीत नजर आ रही थी। अफ्रीका को जीत के लिए 5 गेंद पर 33 रन की जरूरत थी। मोहम्मद सिराज दूसरी गेंद पर डेविड मिलर को शानदार गेंद फेंक दिए, लेकिन डेविड मिलर कहां पीछे हटने वाले थे। उस गेंद को डेविड मिलर ने खतरनाक अंदाज में शॉट लगाकर बाउंड्री के पार पहुंचाया और अपनी टीम का खाता 6 रनों के साथ खोल दिया। अभी अफ्रीका टीम 4 गेंद पर 27 रन की जरूरत थी। सूर्य कुमार यादव गेंदबाज मोहम्मद सिराज का हौसला पूरी तरह से बढ़ा रहे थे। स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर डेविड मिलर ने बेहतरीन अंदाज में पुल शॉट खेलकर एक चौका बटोर लिया और अपनी टीम के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। अब अफ्रीका को जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम मैच को लगभग जीत चुकी थी क्योंकि अफ्रीका अगर 3 गेंदों में 3 छक्के भी लगाती है तो मैच को हार जाएगी। और वही हुआ। मोहम्मद सिराज ने खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी के नजारे दिखाते हुए चौथी गेंद पर डेविड मिलर को पूरी तरह से चकमा दे दिया और उस गेंद पर केवल 2 रन ले सके। अब तो टीम इंडिया की जीत तय हो चुकी थी। मोहम्मद सिराज ने खतरनाक अंदाज में चौथी और पांचवी गेंद को फेंका, लेकिन डेविड मिलर बेहद खतरनाक बल्लेबाज अफ्रीका के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अंतिम 2 गेंद पर दर्शक बटोर लिए। इसके बाद भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और अपनी टीम इंडिया ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से 11 रनों से जीत लिया। उन्होंने केशव महाराज के ओवर में 1 नहीं 2 नहीं लगातार कुल 5 छक्के जड़ दिए और देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। 15 ओवर में भारत का स्कोर 180 रनों तक पहुंच गया। रिंकू सिंह भी अपने अर्धशतक के करीब आ चुके थे। वहीं गिल अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और देखते ही देखते शुभमन गिल ने कॉटेज की पहली गेंद पर शानदार एम्पायर के ऊपर से छक्का जड़कर अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। वहीं रिंकू सिंह भी कहां पीछे हटने वाले थे। ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अंत के 3 ओवर में रिंकू सिंह ने ऐसा तूफानी अंदाज दिखाया जिसे देखकर अफ्रीका के गेंदबाज हैरान रह गए। रिंकू सिंह ने पहले लुंगी एंगड़ी के ओवर में 22 रन ठोका और फिर मार्को जेंसन के ओवर में 25 रन ठोककर अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। अफ्रीका की धरती पर उन्हीं के सामने 20 ओवर में 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और अफ्रीका के बल्लेबाजों का हौसला पूरी तरह से बुलंद लग रहा था क्योंकि वह अपनी धरती पर कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते मैदान पर उतरते ही एडी मार्करम खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने लगे। वहीं उनका साथ दे रहे ऑर्टिनेल बार्टमैन भी भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को विकेट की तलाश थी, मगर ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले की 6 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। भारत के लिए अपना पहला T20 मुकाबला यानी डेब्यू मैच खेल रहे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के ऊपर सूर्य कुमार यादव ने सबसे अधिक भरोसा जताकर गेंद उनके हाथों में थमाई और अर्जुन तेंदुलकर कहां पीछे हटने वाले थे। सुनहरे मौके को वह बेहद ही शानदार तरीके से बनाना चाहते थे और ठीक वैसा ही हुआ। अर्जुन तेंदुलकर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर ऑर्टिनल बार्टमैन को क्लीन बोल कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने सूर्य कुमार यादव के भरोसे पर खरा उतर गए। अर्जुन तेंदुलकर बेहद खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी के नजारे दिखा रहे थे और अफ्रीकी गेंदबाजों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अफ्रीका के एक और बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद भी अर्जुन तेंदुलकर रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी और पांचवी गेंद पर भी 2 विकेट चटकाकर अफ्रीका की पूरी टीम की कमर तोड़ दी। अर्जुन तेंदुलकर ने पहले T20 मैच के अपने ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। अफ्रीका टीम का स्कोर 80 रनों पर 5 बल्लेबाज जब पवेलियन लौट चुके थे तो भारतीय टीम पहले T20 मैच में पूरी तरह से अफ्रीकी टीम पर हावी नजर आने लगी। फिर कहां भारतीय गेंदबाज पीछे हटने वाले थे। सूर्य कुमार यादव के सबसे खतरनाक फिरकी गेंदबाज रवि बिश्नोई ने एक के बाद एक अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया और उनका साथ दे रहे रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट चटकाए। अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी, लेकिन एक बार फिर से डेविड मिलर अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे और वह आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की एक तरफ से धुनाई कर रहे, लेकिन लक्ष्य काफी बड़ा था और हासिल करना नामुमकिन लग रहा था। अंत में डेविड मिलर भी अर्जुन तेंदुलकर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम इस मुकाबले को 60 रनों से अपने नाम कर लिया।